नहीं, यहाँ में मेरा एक ही मैसेज है कि एजुकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड इंग्लिश एजुकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट. आज अगर हमारे बच्चे लोगों को क्वालिटी इंग्लिश एजुकेशन मिलेगा तभी हम रेस्ट ऑफ इंडिया, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कम्पीट कर सकते हैं. तो आज मैं यहाँ आया, मैंने देखा ऑक्सीजन में बहुत अच्छे तरीके से एजुकेशन इज बीइंग इम्पार्टेड. एंड मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को अगर हमें इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट अगर एजुकेशन में ज़्यादा पैसा खर्च करे, क्वालिटी एजुकेशन में ज़्यादा पैसा खर्च करे, उसका जो रिवॉर्ड है, उसका जो इनाम है, वो शायद आपको एक दो महीने में नहीं मिलेगा, लेकिन 10-15 साल बाद आप ऐसे स्टूडेंट्स को तैयार करेंगे जो त्रिपुरा का ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट अंग हो. तो बहुत लोग समझते हैं कि एजुकेशन में पैसा लगाने से हमें क्या मिलेगा, लेकिन उसका जो इनाम है वो आपको 10-15 साल बाद दिखाई देगा. जिस राज्य ने एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है उसका रिवॉर्ड उनको थोड़े साल बाद मिला है. आप आज देखेंगे कर्नाटक, आप देखेंगे हरियाणा, तेलंगाना, हैदराबाद, ये सब जो साउथ में स्टेट्स हैं उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन में ध्यान दिया. तो मेरा एक ही मैसेज है कि हमें सीखना चाहिए ये सब चीज़ से. हमें ऑक्सिलियम, सेलेशन ब्रदर्स और दूसरे क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को भी इन्वाइट करना चाहिए. और अगर गवर्नमेंट 50% ट्यूशन का सब्सिडी दे दे ये सब स्कूल्स को, तो हमारे जो गांव में स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक मौका मिलेगा अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, अपने ही एरिया में क्वालिटी एजुकेशन का. ये हमें एक पॉलिसी बनाना चाहिए. और अगर ये पॉलिसी हमने बनाया और स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा दिया हमें इसके लिए, तो इसमें बेनिफिट कॉन्ट्रैक्टर को नहीं होगा, स्टूडेंट्स को होगा. और त्रिपुरा का भविष्य इज़ अ यूथ. यूथ को हम अगर अच्छा प्लेटफॉर्म दें तो वही हमारे लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट होगा. थैंक यू.